अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये एक पार्सल है जो मैं खोल रही हूँ। ये मेरी दोस्त है, उसको मैंने कहा था कि एडन ड्रॉप से ना परफ्यूम मुझे भेजो लेकर, तो उन्होंने ये परफ्यूम मेरे लिए भेजी है। और ये परफ्यूम बहुत अच्छी है, मुझे इतनी पसंद है बहुत ज़्यादा। पहले भी एक यूज़ करी, वो ख़त्म होने वाली थी, बिल्कुल थोड़ी सी थी उसमें, तो मैंने कहा चलो एक और मंगवा लेती हूँ। मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, सरप्राइज़ था, एक और सरप्राइज़ नीचे आ गया। ये था, वो तो कोई और था लेकिन ये भी कोई और है। तो अब मैं जा रही हूँ पाकिस्तान टूर पे, तो चीज़ों की कुछ ज़रूरत थी जो वो चीज़ें मैं मंगवा रही हूँ। और मैं भी शॉपिंग पे भी गई थी, काफ़ी सारी वहाँ से भी शॉपिंग की, यानी कि मनाहिल की मैंने ज़्यादा की है, उसके बाबा की ज़्यादा। मेरी कुछ इतनी ख़ास नहीं हुई, मेरे तो जो कपड़े हैं मैं उनको यूज़ कर लूँगी, मुझे ज़्यादा नहीं। अब कपड़े लो बनाओ टाइम लगेगा ज़्यादा, तो फिर मैंने तो चलो उनका उसी में गुजारा कर लेते। मैंने एक दो शर्ट बनवा ली है वैसे तो। और ये परफ्यूम है, ये परफ्यूम बहुत अच्छी है और आप लोग ज़रूर यूज़ करना, मेरे कहने पे ज़रूर लेना, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ी सी बस महंगी है लेकिन परफ्यूम बहुत अच्छी है। बहरहाल मुझे तो बहुत अच्छी लगी, अब आप लोगों को कैसी लगेगी ये मुझे आप लोग बताना। तो ये तो थी परफ्यूम तक की बात। और आगे इतनी सारी तैयारियाँ पड़ी हैं, इतने सारे काम पड़े हैं, इतनी सारी यानी कि मुझे पैकिंग करनी है। अब तो चीज़ें जो जो चीज़ें आ रही है ना, बस उनको उठा उठा के और मैं रखती जा रही हूँ। अब ये चीज़ें जो है ना, मैं उठा रही हूँ एक जगह पे रख रही हूँ, जो मुझे लेकर जानी हो मैं लेकर जाऊँगी। बस इसी तरह से काम चल रहे हैं। ओए मेरा प्यारा बेटा, कितना प्यारा बोल रहा है। ग्रैंपा शर्क टू टू टू, ग्रैंपा शर्क टू टू टू, ग्रैंपा शर्क। वाओ मेरा बेटा पाला पाला। मम्मा मेकअप करके हाथ गंदे हो रहे। मम्मा जी अब वो बैठो। वो कौन सी अच्छी सी पोएम सुनाओ। शर्ट को छोड़ो, शर्ट को छोड़ो। कौन सी पोएम? कोई बात है, कपड़ों को छोड़ो, बताओ तो। आपको जो पसंद हो वो बता दो। चलो बताओ। अच्छा चलो सही, अच्छी है। क्या चाहिए आपको? खिलौने। कौन कौन से? चलो पहले मैं चीज़ें देखूँ, आपके साइज के कपड़े देखते हैं। सही है, मनाई ला जाओ, आपके साइज के कपड़े देखते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो उस तरफ है, मनाए देखो कितनी अच्छी चीज़ें पड़ी हैं, आपको इनमें से बेटा पसंद करनी है। आ जाओ, हाँ दिलवा दो। क्या ले रही है देखो मनाल, क्या लोगी? इधर से खाने की चीज इधर है। लॉलीपॉप, लॉलीपॉप लेना है? लेना क्या? लेना क्या? लेना इस पे 10% है और इससे भी है ना 20% कैसी लगी? अच्छा लग रहा है। इधर आओ, इधर आओ। ओहो
आप हाथ से चुप करेंगे नहीं। कैसी मनाए मैं निशात पे चली गई थी, यहाँ पर मुझे ना जो गज के हिसाब से लोन होती है ना मुझे वो लेनी थी, लेकिन वो लोन के ना कलर मुझे समझ में आ रहे थे ना प्रिंट, प्रिंट इतने लाइट यानी कि कलर थे और जो प्रिंट थे वो भी अच्छे थे, लेकिन किसी में इतनी वो पतली लोन लग रही थी कि मुझे जो फुल यानी कि शर्ट बनानी थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, और टाइम भी इतना ज़्यादा हो रहा था। मैंने हस्बैंड को कहा आप अपने लिए कुछ ले लो, उन्होंने अपने लिए कुछ पैंटें टी शर्ट्स वगैरह कुछ ली, कुछ शॉर्ट्स वगैरह लिए, और वो तो हम लोग लेकर फिर अब जल्दी जल्दी जो थे बस जल्दी जल्दी वाले जो काम करने थे, क्योंकि मैं घर से ही बहुत लेट निकली थी हैदराबाद पहुंचते हुए, तो बड़ा मसला हुआ। फिर इस तरह की थोड़ी हमने शॉपिंग वगैरह कर ली और मनाइल को भी थोड़ा सा घुमा लिया मॉल में, चीज़ें वीज़ें खिला दी, इसको खुश होगी बहरहाल, और उसी की वजह से हम लोग घूमने जा रहे हैं ना, यानी कि वही जो है सबको पकड़ पकड़ के लेकर जा रही घुमाने के लिए। तो मैं कहा चलो भाई इसी बहाने मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ पाकिस्तान टूर पे, और आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरा टूर ये बहुत अच्छा हो और वहाँ से मैं अच्छी अच्छी जो ना व्लॉग बना बना के जो ना शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ये देखो आते ही मनायल ने अपना मेकअप लाई है मनायल, और सारा मेकअप खोल कर बैठी हुई है। ये मनाइल बच्चा पार्टी से सामान लेते, मनाइल मेकअप दिखाओ अपना। अब मैं नहीं दिखाऊंगी, अब खोलने दो, लादे में खोल कर दो, मुझे तो मैं खोल कर, शाबाश। पता नहीं कैसी खुलती है, आराम से खुल जाता है। ये क्या है मनाइल, मेकअप दिखा, मेकअप तो दिखा। आपको मेकअप की लगी हुई है तो आपको भी तो मेकअप की लगी हुई, दिखा दो ना, मैं वीडियो बना रही हूँ, दिखा दो उसमें ब्लॉग में, दिखा दो अपनी मेकअप क्या क्या लेकर आई, वो भी दिखा, चॉकलेट कौन सी लाई है ये भी दिखाओ, बच्चा पार्टी से क्या क्या लाई है आप। और है ना, और अब मैं अपनी ज्वेली वेली नहीं दिखाऊंगी। क्यों नहीं दिखाएगी भाई, दिखानी तो पड़ेगी जो चीज़ें लेकर आई है, तो बहुत बुरी बात होती है चीज़ें नहीं दिखाना। आपको पसंद आया मेकअप आपका? कितना बहुत ना के दूध, कितना प्यारा आइसक्रीम वाला मेकअप लाई है मेरी बेटी, प्यारा प्यारा शक्ल दिसे तो अच्छा है, उसने दे दी। रात को 12 बज रहे हैं और मनाइल अपने मेकअप को लगी हुई, देखो हम भी काफी सारी शॉपिंग कर आए हैं, सारी शॉपिंग यहाँ रखी हुई है। जा रही हूँ पाकिस्तान टूर पे और जरूर बताऊंगी कि मनाइल का सामान लिया था बच्चा पार्टी से, मेरे शूज़ हैं, मनाइल के बाबा की चीज़ें। किसको करेगी मेकअप, क्या हुआ मासी तो है नहीं, और ये किचन का काम सारा मुझे खुद करना पड़ रहा, किचन का तो क्या सारे घर का काम खुद कर रही हूँ। अभी देखती हूँ एक और मासी आई थी, मुझे समझ में नहीं आई, उसकी तो रिहाइश वगैरह मेरे पास हो रही थी, तो मुझे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि मैं किसी को अपने घर में रखूँ, तो बहरहाल उसको तो मैंने जवाब भी दिया, उसने 10-12 दिन काम किया लेकिन बिल्कुल भी काम अच्छा नहीं किया। तो अभी मैं खुद ही काम कर रही हूँ सारे घर के, और बाहर भी जा रही हूँ तो शॉपिंग भी है, कपड़ों की तैयारियाँ, बहुत परेशानी भी है, यानी कि पॉलर को भी देखना है। फिर ऐसा होता कि जितना काम होता है उतना कर लेती, जितना नहीं होता फिर दूसरे दिन सुबह में कर लेती, उस तरह से घर भी साफ़ रहता और ज़्यादा है ना जो अपना काम का लोड भी नहीं आता अपने पर। तो फिर अब इसी तरीके से गैस का चूल्हा मैंने साफ़ किया, जो पहले लड़की मेरे पास काम करती उसने पूरे ना स्क्रैच डाल दिए थे इसके ऊपर, वो जो स्क्रबर होता है ना वो उसने पूरा इस पर लगा दिया था, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद काम कर रही हूँ ना, तो ये चूल्हा भी माशाल्लाह साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी इसके ऊपर निशान विशान लगा हुआ था मुझे बहुत बुरा लगता है, तो इसको फिर ब्रश के साथ में बड़ा साफ़ कर देती हूँ। तो ये है मेरी सुबह की रूटीन, बर्तन इतने सारे थे वो वॉश किए सारे, ढेर सारे बर्तन,
सारे वॉश किए, किचन साफ़ किया, कपड़े भी धोए थे, ढेर सारे कपड़े धोकर आई हूँ। उसकी तो मैंने बिल्कुल कोई भी वीडियोस वगैरह नहीं बनाई, हाँ लेकिन जब शाम को उठाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी कि कितने सारे कपड़े धोए आज, क्योंकि हस्बैंड ने सुखा लिए थे, मैंने धो लिए थे। तो काम तो खैर हो जाता, काम तो नहीं रुकता, अपने घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको देखना होता है।